अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ शहीद अहमद खान और आप देख रहे हैं डेटिंग फॉर यू गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आया हूं एक और उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। तो गाइस यहां पर मैं आपको डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। बुलावे तुझे यारी आज। सो गाइस जैसे आपने डेमो वीडियो में देखा उस तरह की जो सी वीडियो एडिटिंग, इसको कैसे क्रिएट करेंगे तो उसको सीखने के लिए आपको ये मेरी वीडियो एंड तक जरूर देख लेनी होगी। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बंद रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस यहां पर आपने लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। सिंपली गाइस कुछ अगर आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा, आपने प्लस के ऊपर टाइप करना है। यहाँ पर गाइस आपने अपनी मर्जी की रेशियो चूज कर लेनी है। सो यहाँ पर मैं 9:16 की जोन सी रेशियो चूज कर लेता हूँ, देन करियर प्रोजेक्ट के ऊपर टाइप कर दूंगा। यहाँ पर गाइस आपने पिक्चर या फिर वीडियो यूज कर लेनी है तो उसके लिए प्लस के ऊपर टाइप करना होगा, मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपने एक पिक्चर या फिर वीडियो यूज कर लेनी है। यहाँ से गाइस मैं एक पिक्चर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस पिक्चर कुछ इस तरह की होगी, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर टाइप कर दूंगा। यहाँ पर गाइस मैं इसको कुछ इस तरह का और बढ़ा देता हूँ, आपने पिक्चर के हिसाब से इसको देख लेना। तो गाइस मैं इस तरह इतना रख देता हूँ, देन रख देने के बाद यहाँ पर गाइस आपने प्लस के ऊपर अगेन से टाइप करना होगा और उसके बाद आइडियो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपने सॉन्ग को चूज कर लेना है। अगर वीडियो फॉर्मेट में है तो गाइस यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ से आपने एक जोन से भी वीडियो आप चूज करना चाहते हो आपने चूज कर लेनी है। सो गाइस मैं इसके ऊपर टाइप कर दूंगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक्स्ट्रा आइडियो के ऊपर टाइप कर दूंगा। वीडियो जोन से गाइस यहाँ पर मैं डाल कर दूंगा, पिक्चर वाली जोन से ले रहा है आपने इसके ऊपर टाइप करके इसको फुल एंड तक, यानी कि आपका जितना सॉन्ग है उतना आपने कर लेना है। सो स्टार्ट में आ जाना है आपने और यहाँ पर पिक्चर वाले लेयर के ऊपर अगेन टैप करके मूवर टसार में चल जाना है और यहाँ पर गाइस आपने की वगैरह यूज़ कर लेनी है, यानी कि एक की यहाँ पर आपने यूज़ कर लेनी है। फिर 3 सेकंड तक आपने आ जाना है। तो यहाँ पर जैसे गाइस मैं इतना आ चुका हूँ, यहाँ पर एक की आपने यूज़ कर लेनी है, फिर 6 सेकंड तक आपने आ जाना है। तो यानी कि 3 सेकंड तक आपने इस तरह यूज़ कर लेनी है। तो गाइस मैंने कर लिया कंप्लीट फुल एंड तक की कर लेने के बाद आपने स्टार्ट वाली की के ऊपर आ जाना है, उसको कुछ इस तरह का राइट साइड की तरफ मूव करवा देना है, जितना आप करवाना चाहते हो। सेकंड वाले पे आ जाना है, उसको कुछ इस तरह का आपने मूव करवा देना है, देन फिर इस तरफ आ जाना है, फिर यहाँ पर आप इसको मूव करवाना चाहते हो यहाँ पर आपने मूव करवा देना है। सो यहाँ पर गाइस उस हिसाब से आपने इसको मूव करवाते रहना है। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ इस तरह का करवा देता हूँ, आपने जिस तरह का आप करवाना चाहते हो यहाँ पर आपने उस तरह का मूव करवा देना है। तो लेट्स सपोज गाइस मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ, आपने अपनी मर्जी का कर, यानी कि जूम कर लेना आपने इसको। देन गाइस जूम करने के बाद देख सकते हैं जब प्ले होगा तो गाइस डायरेक्ट सीखने के लिए यहाँ पर आपने बैग जाना है, एक्सएमएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से गाइस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह के आपको नजर आ जाएगी, आपने ये जो लिरिक्स है इसको यहाँ से कर लेना है आपने कॉपी। तो यहाँ पर गाइस मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन गाइस यहाँ से बैग आके अपना प्रोजेक्ट आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं इसके ऊपर टैप करने के बाद पेस्ट लेयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर गाइस आपने बीट मार्क्स लगा देने। तो यहाँ पर गाइस मैं लगा देता हूँ, आपने फुल एंड तक लगा देने। देन लगा देने के बाद यहाँ पर आपने इसको टाइमिंग वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर गाइस आप इसको लाना चाहते हो वहाँ तक आपने ले आना है, यानी कि लेयर्स के हिसाब से। देन गाइस कुछ इस तरह का नजर आ जाएगा, आपने इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस आपने एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से करके इसको रिमूव, जो सा भी गाइस आपका लिरिक्स बनता है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सो गाइस यही मेरा लिरिक्स है तो इसलिए इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, देन टिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने इसके ऊपर टैप करने के बाद इसका आपने डुप्लीकेट ले लेना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से गाइस आपने इसको कर देना होगा रिमूव और यहाँ पर गाइस आपने इमेजी यूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर गाइस मैं 2 इमेज यूज़ कर लेता हूँ, एप्पल जो इमेज वाला फॉन्ट है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो यहाँ पर आपने यूज़ कर लेना है और यहाँ से कलर इसका रिमूव कर दूंगा, देन टिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा, यहाँ पर इसको आपने नीचे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करवा देता हूँ, देन यहाँ से मैं बैग आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने इसके ऊपर टैप कर देना है, देन इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर 2 इफेक्ट जो से ये आपने इनेबल कर देने हैं। तो दोनों में आपने इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर गाइस मैं ऊपर वाली जो सी कॉपी की थी उससे भी इनेबल कर देता हूँ। देन गाइस यहाँ पर आपने दोनों लेयर में से किसी एक लेयर में एक और इफेक्ट यूज़ करना है, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर अगेन से क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर गाइस आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, टेक्स्ट स्पेसिंग मिल जाएगा आपने इसके ऊपर टैप कर देना है, देन स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइस ये आ चुका है, इसके ऊपर आपने ओपन कर लेना है इसको। तो यहाँ पर स्टार्ट में गाइस आपने आ जाना है, थोड़ा सा आगे आ जाना है यहाँ पर, यानी कि 2 सेकंड तक आ जाना है। तो यहाँ पर गाइस मैं आ चुका हूँ, देन आपने यहाँ पर एक की यूज़ कर लेनी है। एक गाइस यहाँ पर मिड, जो मिड में आपने की यूज़ की होगी उसके साथ ही आपने यूज़ कर लेनी है। देन फुल एंड पे आ जाना है, उससे थोड़ा सा गाइस आपने पहले एक की यूज़ कर लेनी है। स्टार्ट वाली गाइस जो की होगी उसको आपने नहीं छेड़ना। सो गाइस सेकंड वाली की पे आ जाना है आपने, यहाँ पर गाइस आपने इसको 55 कर लेना है या 50 के आपने इसको करीब लेके चले जाना है। तो
यहाँ पर गाइस इसको मैं 55 कर देता हूँ। कर देने के बाद यहाँ पर आपने थर्ड की पे आ जाना है, इसको यहाँ पर आपने -55 कर लेना है। सेकंड वाली जो की होगी आपने इसको 55 और जो थर्ड वाली की होगी उसको आपने -55 या 50 तक आपने ले जाना है। सो यहाँ पर आपने फर्स्ट जो सी दो की होगी इसके मिड पे आ जाना है। देन गाइस यहाँ पर आपने एक ट्रांसफार्म यूज़ कर लेना है। फोर्थ वाला गाइस ये आपने चूज़ कर लेना है। देन यहाँ से बैक आ जाना है और अगली जो की होगी आपने इसके ऊपर जाकर भी आपने ट्रांसफार्म यूज़ कर लेना है। फोर्थ वाला आपने यूज़ करना है, पर यहाँ से गाइस आपने इसको नीचे की तरफ इस तरह ले आना है। देन गाइस यहाँ पर आपने बैग आ जाना है और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके कॉपी फेड कर लेना है यहाँ पर आपने, और ऊपर वाली लेयर के ऊपर जाकर आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर बैग आके आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा। देन गाइस नेक्स्ट लेयर देखने के लिए आपने इसके ऊपर टाइप करना होगा दोनों को, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और जहाँ पर आपका सेकंड लेयर बनता है वहाँ जाकर आपने पेस्ट लेयर कर देना होगा। तो यहाँ से गाइस मैं इसको टाइमिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कट कर लेता हूँ, आपने भी कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं इनको कट कर लेता हूँ और अगला भी गाइस यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको थ्री लेयर्स यहाँ पर मैं लिख कर आपको दिखा सकूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं इनको कट कर लेता हूँ। देन कट कर लेने के बाद सेकंड लेयर लिखने के लिए आपने इसके ऊपर टाइप करना होगा, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइस आपने इसको कर देना होगा रिमूव और जो सा गैस आपका लिरिक्स बनता है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर गैस मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको सिंगल लाइन पे कन्वर्ट कर देना है। देन टिक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने इमोजी भी चेंज कर लेनी है। तो लेट्स सपोज गाइस यहाँ से मैं इसको कट करके जोंस भी आपको मर्जी लगे लेडीज़ के हिसाब से यहाँ पर आपने इमोजी चूज़ कर लेनी है। तो गाइस ये वाली और ये वाली मैं इमोजी चूज़ कर लेता हूँ। देन टिक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गाइस थर्ड लिरिक्स भी आपने ऐसे ही चेंज कर लेना है कि इसके ऊपर टाइप करने के बाद एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ से आपने इसको कर देना है रिमूव और जोंस भी गाइस आपका लिरिक्स है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, उसको सिंगल लाइन में आपने कन्वर्ट कर देना है। दिन का टिक के ऊपर क्लिक कर देना है और इसी हिसाब से गाइस आपने इमेज भी चेंज कर लेनी है। तो यहां पर गाइस मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं। देन यहाँ पर गाइस आपको एक और इफेक्ट यूज कर लेना है। तो बैक आ जाना है, आपने गाइस XML ओपन कर लेनी है अगेन से। ये जो आपको थ्री शेप्स नज़र आ रही हैं आपने इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से गाइस मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपने इसके ऊपर टाइप करने के बाद कॉपी लेयर कर लेना है और यहाँ पर गाइस आपने बैग आ जाना है। तो आप यहाँ पर गाइस मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। देन ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपने पेज थ्री लेयर्स के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ये गाइस आपने काम उस वक्त करना है जब ये आप लिरिक्स सारे कंप्लीट लिख चुके हों, उससे पहले आपने काम नहीं करना। तो मैं यहाँ पर गाइस मैं इसके ऊपर टाइप कर देता हूँ, यहाँ तक गाइस मैं लिख देता हूँ, आपने फुल एंड तक कर लेना है। तो इसके ऊपर टाइप करने के बाद टाइमिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपने इसको इधर ले आना है, क्योंकि गाइस इस पर जो इफेक्ट लगा हुआ है उस पर की वगैरह यूज़ हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर आपने टाइमिंग वाला ऑप्शन यूज़ करना है, वरना गाइस ये वाला आप ऊपर दोनों शेप के साथ आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर आपने अगेन से मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि इस तरह की हमारी जो सी वीडियो होगी वो शो होगी, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगी। देन गाइस यहाँ पर आपको राइट टॉप में ऑप्शन नज़र आएगा एक्सपोर्ट का, तो आपने इसके ऊपर टाइप कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपकी गैली में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।